भाजपा आगू ने राघव चड्ढा कानूनी नोटिस भेज दिता है। जी हाँ, वड्डी खबर तुहानू दस रहे हैं, राघव चड्ढा कानूनी नोटिस भेजा गया भाजपा आगू अशोक सरीन वालों। भाजपा के खिलाफ एतराज़ योग शब्दावली वरतन के इल्जाम लगे ने राघव चड्ढा के उपर। इसे करके भाजपा आगू वालों राघव चड्ढा एक कानूनी नोटिस सर्व किया गया। बीजेपी के खिलाफ एतराज़ योग शब्दावली वरतन के इल्जाम हेठ यह नोटिस भेजा गया। तीन दिन के अंदर अंदर जनतक माफ़ी की मांग की गई है कि तीन दिन के अंदर अंदर राघव चड्ढा जनतक तौर पर माफ़ी मंगन, माफ़ी ना मंगन की सुरत से केस दर्ज करवाने की गल कही गई है। एक बार मुड़ तो इस खबर के नाल तुहानू जाणू करवा देने, भाजपा आगू अशोक सरीन ने भाजपा के खिलाफ एतराज़ योग शब्दावली वरतन के इल्जाम लाउंदिआं राघव चड्ढा कानूनी नोटिस भेजिआ। तीन दिन के अंदर अंदर जनतक माफ़ी नहीं मंगते राघव चड्ढा तो केस दर्ज करवाया जाएगा राघव चड्ढा के खिलाफ, यह चेतावनी दी गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा जी ने एक लीगल नोटिस भेजा है जिसकी वह तीन दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जिहड़ी उन्होंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभद्र टिप्पणी की है, बेवजह बेहुदा और गैर संवैधानिक आरोप जिहड़े भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी से लाए है उसके खिलाफ इन्होंने अज लीगल नोटिस भेजे कि तीन दिन राघव चड्ढा जी माफी मंगन नहीं तो उन्होंने खिलाफ जलंधर कोर्ट के क्रिमिनल केस मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते दर्ज करावांगा।